आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद एजाज है। आप कितने अर्से से हैं? मेरे को 12वां साल है यहाँ पर। 12वां साल? आप भी कराची से हैं? जी मैं भी कराची से हूँ। तो इतने साल किस केस में आए? सर मेरे पर जो केस है वो 365 का केस है। वो हमारे नाजिन को 365 का अगवा का केस है। मेरे पर जो मेरे पर तवान है वो 2.5 लाख रुपए का तवान है। तो तवान आपने दे दिया? जो मतलब मेरे पर इल्ज़ाम लगाया है वो 2.5 लाख रुपए का। 2.5 लाख तवान लेने का है जी। तो कोर्ट किस सतह पे केस चल रहा है? सर मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरा केस लगा हुआ है। हाई कोर्ट की तरफ से 780 मेरी खत्म हुई है। पीछे भाई बहन फैमिली क्या है? लगा शुगर है कि पूरी फैमिली है, आते हैं मेरे से यहाँ मिलने 15 दिन में 20 दिन में आते हैं मिलने। और अभी जैसे आपने पूरा माहौल देखा यहाँ पर कि ईद की नमाज हमारी बाहर होती है, और हम सबसे जो हमारे अपना DIG साहब हैं मोहम्मद हसन सेतो साहब, इनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो पूरी सेतो साहब तो आपके सुप्रीडेंट भी रहे हैं ना? जी जी वो सुप्रीडेंट भी यहाँ पर रहे हैं। और अभी माशाल्लाह से DIG साहब हैं हमारे, कि उनकी मेहरबानियाँ हैं कि उनकी एक पूरी टीम है। ये अपनी फैमिली के बारे में बताएं आप। सर फैमिली है, कौन है? बीवी है, बच्चे हैं? बिल्कुल, मेरी वाइफ भी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, आते हैं इससे मिलने 15-20 दिन के अंदर आते हैं यहाँ पर। और आज़ादी तो एक अल्लाह की तरफ से नेमत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी हमारे साथ जो जेल इंतजामिया का एक जो सिस्टम है, आपने जिस तरह भाई ने म्यूजिक सीखा, आपने कुछ सीखा? मैं फाइन आर्ट स्कूल का, पूरे फाइन आर्ट स्कूल का हेड हूँ वहाँ का। अच्छा, आप इनके भी हेड हैं? जी, तो मैं वहाँ पर पेंटिंग भी सिखाता हूँ, वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी भी सिखाता हूँ लोगों को, एम्ब्रॉयडरी। जी अच्छा। अभी बीच में आपने देखा होगा कि आर्ट काउंसिल के अंदर एक नुमाइश भी हुई थी यहाँ पर, कि वहाँ पर जो पेंटिंग सेल आउट हुई थी वो तकरीबन 13,75,000 की खाली पेंटिंग सेल आउट मेरी हुई थी। आपकी अपनी बनाई? जी। आपने वो बाहर से सीखी यहाँ आके? मैंने यहीं पर ही आके सीखी है पेंटिंग है, कि जब मैं आता था तो मुझे कुछ नहीं आता था यहाँ पर। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक उस्ताद हूँ, यहाँ पर लोगों को काम सिखाता हूँ। और जो मेरे जो उस्ताद थे वो भी एक कैदी थे असलम रज़ा, कि वो भी अब रिलीज हो चुके हैं यहाँ से। कि बस यही है कि हमारे साथ जो एक इंतज़ामिया है ये बिल्कुल हमारे साथ बहुत, हम मतलब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे मैंने खुश नसीब हैं कि हमारे को इस तरीके की इंतज़ामिया हमें यहाँ पर मिली हुई है। कि पूरी मतलब कोई भी आप सीखना चाह रहे हैं कुछ भी, कहते हैं कि खेल जेल का खाना जो है वो दाल मिलती है, वो भी बस अब रोटी पे चढ़ती नहीं है। वो सर बहुत पुरानी बात है, वो कहने की बात है। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर पत्थर तोड़े जाते हैं, यहाँ पर पाठ तोड़े जाते हैं। अभी आपने माशाल्लाह यहाँ पर विजिट करा है, और अभी आप किचन का भी वाले यहाँ पे, वो तो नाज़रीन समझ जाएंगे कि भाई जब भी ये टीवी वाले जाते हैं तो उस दिन तो जेल इंतजामिया की अच्छी होती है, ऐसा कैदी भी वो मिलाते हैं जो जेल इंतजामिया की तारीफ करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जितने भी कैदी बैठे हैं तकरीबन हर कोई अपने अलग अलग डिवीजन से, यहाँ पर एक जगह से कोई नहीं है। कितने साल हुए यहाँ पर? तो मेरा 9 महीना होते हैं। 9 महीना हो गया। तो किस क्या केस में? हम तो मैं 16 पंजाब से ताल्लुक रखता हूँ, फौजी हूँ। फौजी है? जी सर। मिलिट्री से? जी। और आर्मी से हैं या अपना? मैं आर्मी से। अच्छा। 16 पंजाब क्रिएट के से वहाँ पर हूँ। यहाँ पे तो जमीन का कोई केस में अंदर आए, अभी जमीन का केस में चला रहे हूँ यहाँ पर। 9 महीने से यहाँ पर हूँ अभी तो यहाँ पर। सुबहानुल्लाह, तो आपका पहली ईद है यहाँ? मेरा तो पहला ईद कराची के सेंट्रल जेल पर। अच्छा, कौन ज्यादा याद आ रहा है, बटालियन के लोग या अपना फैमिली के लोग या अपने दोस्तों में से कोई? आज के दिन पहली ईद है आपकी, तो आपके थोड़े जज्बात बाकी जो दोस्तों से बात हुई उनसे शायद ज्यादा डिफरेंट होंगे। तो पहला तो सबसे प्यारा रिश्ता जो है वो अपना बाप माँ का और बच्चों का, बीबियों का, अपने भाइयों का, अपने बहनों का, वो सबसे ज्यादा रिश्ता वही होता है। उसके बाद यार दोस्त होती है, उनके साथ बाहर मिलते आदमी, बस इतना होता है। ताकि बाहर दुनिया खुल होती है। यहाँ पर भी तो लोगों ने बहुत डराया शुरू में, जब ये आया था लोग कह रहे थे यार जेल में इस तरह हो रहा है, बैरक से बाहर निकालना नहीं रहा, ताला लगा होता है, ये होता है, बहुत डराया हम लोग। जब हम लोग यहाँ आए, यहाँ भी भेज दिया हम लोग सुबहानुल्लाह वार्ड में भेज दिया माशाल्लाह, वहाँ भी तालीम बहुत ज़बरदस्त है, कुरान भी सीख लिया वहाँ पर, कलीमे जो नहीं आ रहा था वो कलीमे भी सीख लिया। और दूसरा यहाँ के जो जेलर साहिबान हैं वो भी आते हफ्ते में एक बार लाजिम चक्कर लगाते और रोन लगाते वहाँ पर, वहाँ पे पूछते हैं बंदों से आपके कोई मसला, कोई घर का परेशानी कोई, वो फिर अपना बंदा सब बता देते यार मेरा ये मसला है, मगर सारा कंप्लीट कर लेते। तो आप मतलब है जेल के अंदर जो है आप कहते हैं कि सहूलतें आपको मौजूद हैं भरा, लेकिन ज़ाहिर है ईद का दिन है आपको याद आ रहे होंगे, भाई से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? हज़रत अब्दुल सबूर। अब्दुल सबूर साहब कहाँ से हैं आप?
मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से आप यहाँ? रिहाइश हमारी यहाँ पे भी है, कराची में जी। तो यहाँ पे इस वक्त जेल में कितने? मोहब्बत के इम्तिहान निभा रहे हैं। अच्छा, मोहब्बत का इम्तिहान है, वेरी गुड। तो क्या हुआ था? लव मैरिज की थी। हाँ, लड़की से भागा के, उसका भाई इंस्पेक्टर है, उनके फैमिली वाले सारे गवर्नमेंट मुलाजिम है, पुलिस महकमे में। अब वो डिवोर्स दे देता तो मेरे को वहीं से रिलीज कर देते। पेंडिंग की नामालूम एफ आई आरें थी जो डाल दी गई, नामालूम एफ आई आरें इसीलिए यूज़ होती हैं। अगर सेटिंग बन जाए, पैसा दे दे बंदा, उनकी चीज़ों को मान जाए, कोई इशू नहीं, डजेंट मैटर। अब एक बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, यहाँ आने के एक महीना बाद मेरी बेटी पैदा हुई है। माशाल्लाह, मैं कैसे उसे डिवोर्स दे देता? अगर मैं उसे डिवोर्स दे देता तो वो। कितने साल हुए हैं यहाँ पे? यहाँ मेरे को 6 साल 7 महीने। तो यहाँ पे इतने सालों में आपने कुछ सीखा? मैंने सुना कुछ कैदी बता रहे थे यहाँ के मुख्तलिफ स्कूल हैं, कोई अपना कोई फाइन आर्ट्स के, कोई म्यूजिक के, ऐसी बातें। मेरे पास अपने तकरीबन 6 सर्टिफिकेट हैं। मैंने यहाँ पे उर्दू अदीब के भी पेपर दिए हैं, सिंधी अदीब के भी पेपर दिए हैं, जो अभी रिजल्ट आने वाला है। ड्राइंग कैलीग्राफी के भी मेरे पास सर्टिफिकेट हैं, बकायदा कंप्यूटर सीआईडी के सर्टिफिकेट हैं। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, जो बंदा समझदार नहीं है वो वेस्ट नहीं करता, और जिसको नहीं है नॉलेज, जो पीछे से ही नहीं है कि मतलब अच्छे माहौल में रहने वाले। तो सहतो साहब माशाल्लाह, हमारे हसन सहतो साहब हो गए, एहसान साहब हो गए, हमारी इंतजामिया ने एक ऐसा माहौल बनाया। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन याद आ रहा है, क्योंकि आपने लव मैरिज करी है, तो वो तो नाज़रीन हमारे बिल्कुल समझ जाएंगे कि आपको या बेटी ज़्यादा याद आ रही है। दोनों में से अब वैसे आपको बता रहे, चॉइस आपने करनी होगी, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। बेटी ज़्यादा याद आ रही है या बीवी ज़्यादा याद आ रही है? दरअसल मैं जब जिक्र में दुआ में बैठता हूं, बड़ा है आपका, ये सारे आपके जो कलीग्स हैं ये भी सुनना चाहते हैं। मेरी आदत है, यहाँ अल्लाह पाक ने मेरी नमाज कुरान की पाबंदी ऐसी करा दी, मेरा अभी 26वां कुरान ख़त्म कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं जब आँख बंद करता हूँ ना, मेरी फैमिली मेरे सामने होती है।